मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई और ठाणे के आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वैसे तो एक हफ्ते से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, मगर आज शुक्रवार की सुबह से ही तेज़ बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से पानी भरने की खबर रास्तों पर आ रही है, जिसकी वजह से यातायात पर भी इसका असर काफ़ी पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुस्लिम समाज काफ़ी आगे आया है और खाने पीने की चीज़ें इन तक पहुंचा रहा है। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहाँ सड़कें समुंदर बन चुकी हैं। आप लाल किला की ये तस्वीर देखें जहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसी तरह से राजघाट के पास भी पानी भरा हुआ है। आप जिस तरफ देखेंगे दिल्ली में लगभग आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। बाढ़ की वजह से दिल्ली की जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुकी है। वहीं सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम समाज बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के लिए आगे आया और उनके बीच पहुंचकर उन्हें खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराया जा रहा है। चलो बेटा, बच्चों की लाइन अलग, बच्चों को देते जाओ देते जाओ। अभी रहने का ये टेंट इन लोगों का रोड साइड अपने आप ही इन लोगों ने बना लिए हैं, जो लोग नीचे पुश्ते के रहते हैं उन लोगों ने, और इसी में ये लोग फिलहाल रह रहे हैं। आज रात यहीं काटेंगे और यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। ट्रक भर गया था पानी से, पानी पीने का मिल रहा था आपको? नहीं, अच्छा 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 कांवड़ में से पानी नहीं दे रहा था कोई? अच्छा अच्छा, लो लो पानी लो, आप लोग पानी लो, थोड़ा बच्चे सबको पानी पिलाओ। सर पानी उधर से नहीं देते हैं? नहीं देते हैं पानी? क्या कहते हैं? बोलता है आप लोग के है ना, ये है ना एडजस्ट करने के लिए नहीं है, हम लोग के लिए। अच्छा, कांवड़ियों के लिए पानी है? अच्छा, तो आप लोग भी तो हिंदू हो? हाँ जी, हिंदू तो क्या हो गया, हम लोग प्योर एकदम दास है। अच्छा, फिर भी पानी आया हुआ है? मतलब हिंदू तो सब भाई तो है, फिर भी ऐसी बात? हम लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, एक हिंदू को दे रहे हैं, एक हिंदू को मना कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हम आपकी सेवा में आए हुए हैं। बहुत बढ़िया है जी, हाँ हम आपकी सेवा में हैं। ले लो पानी, जल्दी जल्दी ले लो, गाड़ी जाने वाली है। पियो पियो पानी पियो। चौकी साहब एक बोतल देना, काट दो काट दो। यहाँ तो हो गया, बीमारी
चार पांच पेटी बची हैं, एक बार और वहीं राउंड ले लेंगे जहां वो था ना कैंप लगा हुआ। अभी अभी कितना पानी रह गया अर्शद भाई अपना? है अभी 8-10 एक पेटी बाकी है। अच्छा, और तकरीबन 20 पेटी हम दे चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ बाटी है ना, उसके बाद पेटी यहाँ दे चुके हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, बस अभी यही है, फिर कल ले आएंगे। और कल ला देंगे और पानी बढ़ेगा, अभी और पानी बढ़ेगा, अभी दो दिन और दिक्कत रहेगी आपकी। पीछे खजूरी के अंदर तो लाइट भी नहीं है, तो वहां अंदर गाड़ी नहीं जा पाई। चलो साथियों, शेयर कर देना और आप भाइयों की मेहनतों को जो है सराह दो, और लगे हुए हैं खिदमत में जैसे तैसे, इस लायक हैं, हाजिर हैं। और अभी हम लोग और आगे जाएंगे और आगे जाके देखते हैं क्या स्थिति है। हालांकि मामला ये है कि ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला ये जो टॉनिका सिटी की तरफ जा रहा है, ये नीचे समझ लीजिए ये बेसिकली नदी की ही जगह है, यमुना नदी की जगह है। और यमुना नदी के अंदर गाड़ी बोलो, यमुना नदी के अंदर बाढ़ आ जाती है तो ये भर जाता है। और इस वजह से जो है वहां पर मामला थोड़ा सा खराब हो गया था, तो लोगों ने यहां पर अपना ऊपर झुग्गी बना ली है। कुछ सरकार ने भी दी है, ऐसा नहीं है सरकार ने नहीं दी, कुछ झुग्गी सरकार ने भी दी है और कुछ जो है इन्होंने खुद अपने आप बना ली है। पानी की जैसी स्थिति थी मैंने आपको बताई कि ये सामने कांवड़ शिविर लगा हुआ है, तो कांवड़ शिविर वालों को ये लोग नहीं दे रहे पानी, मतलब कांवड़ शिविर वालों ने मना कर दिया कि ये सिर्फ कांवड़ियों के लिए पानी है, पानी तो सबके लिए होता है। तो यही परेशानी है मेन, जब भी बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा कपड़ों की और पानी की दिक्कत ज्यादा होती है। खाना वाना तो लोग अरेंज कर लेते हैं जैसे तैसे कुछ भी, बट जो पानी पीने का पानी, अच्छा दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के जो तीनों सीवेज प्लांट हैं, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है, वो तीनों ठप हो चुके हैं, बंद कर दिए हैं। तो ऑलरेडी दिल्ली के अंदर पीने के पानी की किल्लत आज से शुरू हो गई है, जो आने वाले दो दिन और रहेगी इस कंडीशन के अंदर। और इधर जो है एक कांवड़ शिविर चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी पानी के टैंकर दिल्ली से सरकार की तरफ से लगते हैं, तो पानी की कहीं ना कहीं दिक्कत है। उधर ये बाढ़ का मसला आ गया, और आज रात कह रहे हैं कि बाढ़ की और ज्यादा जो है परेशानी होगी, क्योंकि उधर से सुनने में आया हरियाणा में पानी और छोड़ दिया है, तो और ज्यादा हालात गंभीर हो सकते हैं। क्योंकि हम अभी बस अड्डे की तरफ से आए ISBT कश्मीरी गेट से, पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है। और आलम यह है कि अगर हमारे पास ये बड़ी गाड़ी नहीं होती तो छोटी गाड़ी तो हम लोग यहाँ ला ही नहीं पाते, आलम यह था, क्योंकि स्कूटी बाइक ऑटो रिक्शा छोटी गाड़ियां सब बंद पड़ी थी वहां पे, इसलिए हमारी बड़ी गाड़ी ऊंची थी, तो इसलिए हम लोग गाड़ी बाहर की तरफ ले आए। तो साथियों, आपकी टीम नेशनल एड हर हमेशा की तरह आज भी मुस्तैद है और लगी है खिदमत में। आप लोग जो है हमारी कोशिशों को सराहिए और जैसा प्यार आप हमें देते हैं वो देते रहिए। दिल्ली इस टाइम थोड़ा परेशानी में है, इंशाल्लाह दिल्ली परेशानी से जल्द निकलेगी। और जितने भी इलाके हैं दिल्ली में, खासकर यमुना से लगते हुए, जैसे कि यमुना से लगते हुए शास्त्री पार्क का एरिया हो गया, खजूरी, कच्ची खजूरी, पक्की खजूरी, ये सारे पुश्ते, उसके अलावा सिलमपुर, जाफराबाद, उसके अलावा जो है आपका अगर उधर चले जाए मयूर विहार, जैतपुर, खड्डा कॉलोनी, ये थोड़े इस टाइम खतरे में है।
तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये खतरा टल जाए, पानी और बारिश ना आए और पानी कम से कम दिल्ली तक पहुंचे। हालत थोड़े डरावने हैं, गंभीर हैं, बस ऊपर वाला रहम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ विदा लेता हूं मैं, और फिर इंशाल्लाह कहीं अभी और हमारे पास इस ट्रक में पानी बचा है तो पानी देते हुए हम लोग अभी फिलहाल अपने घर निकलेंगे। उसके बाद फिर कल देखते हैं, कल किस चीज़ की ज़रूरत होगी तो फिर कोई कॉल्स आती हैं तो फिर हम आगे आएंगे।